हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन, है ना। स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सेमेस्टर नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 7। So, my dear students, do you know there is a very wonderful story in this unit? आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसका नेम है रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। दिस इज अ वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, ये है एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी है, उनके बारे में स्टोरी है। और ये स्टोरी एक आइलैंड के बारे में है। आपने देखा है आइलैंड कहाँ पर होता है? आपको पता है आइलैंड कहाँ पर होता है? मोस्ट ऑफ समुद्र के बीच में माउंटेन जैसा क्रिएट होता है ना, वहां पर लैंड बन जाता है। और वहां पर क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं और थोड़ी सी प्लेस जगह होती है ना। उसको क्या कहते हैं? जंगल जैसी थोड़ी प्लेस होती है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड, है ना। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। रॉबिन्सन क्रूसोस शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सी। ही लिव्ड अलोन फॉर मेनी इयर्स ऑन an island and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. यहाँ पर क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी था जो समुद्री यात्रा में चला था। उसकी नाव अचानक क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड यानी नाश हो गई। उसकी जो नाव होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एक आइलैंड पर फंस जाता है। काफी सालों से वो रहता है उस टापू पर और कोशिश करता है कि कोई आए। एक दिन कोई अजीब सा फुटप्रिंट मिलता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, चलो हम देखते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर स्टोरी, लेट सी सम न्यू वर्ड्स। सी की वर्ड्स यानी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड यानी उसका मतलब क्या होता है? वेरी सरप्राइज्ड। अमेज का मतलब क्या होता है? वेरी सरप्राइज्ड। हम सरप्राइज हो जाते हैं ना कोई चीज को देखकर, कोई एनिमल को देखकर, अमेज है ना, वेरी सरप्राइज्ड, एकदम चौक जाते हैं ना वैसे। सेकंड है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मींस फीलिंग फियर, यानी कि क्या फील होता है? डरावनी जो फील होती है ना, डर लगता है ना, उसे फ्राइटेंड कहते हैं। फीलिंग फियर, डर जैसा लगता है। फिर नेक्स्ट है कासल, CASTLE, कासल मींस अ लार्ज बिल्डिंग विद हाई वॉल्स। इसका मीनिंग क्या होता है? कासल यानी इन शॉर्ट महल। महल होता है ना, उनको क्या कहते हैं? कासल। नेक्स्ट है चेस, CHASE, चेस यानी टू रन आफ्टर समथिंग। चेस यानी पीछा करना, इन शॉर्ट क्या होता है? पीछा करना, किसी के पीछे जाना, पीछा करना, किसी का पीछा करना। चेस का मीनिंग होता है टू रन आफ्टर समथिंग, पीछा करना। फिर नेक्स्ट है लेडर, LADER, लेडर मींस अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप समथिंग।
इन शॉर्ट इनकमिंग क्या होता है? लेडर यानी कि सीढ़िया, जहां जिस पर हम चढ़ते हैं, ऊपर जाने के लिए चढ़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? सीढ़िया, लेडर। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड सेवेज, SAVAGE, सेवेज मीन्स अ क्रूएल एंड वायोलेंट पर्सन। उसका मतलब होता है कि हिंसक, सेवेज यानी हिंसक, बहुत डरावना, वायोलेंट पर्सन, हिंसक प्राणी होता है ना, उनको क्या कहते हैं? सेवेज। ओके, तो ये है हमारे कीवर्ड्स, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये एक, लेट्स सी, ये एक पिक है, कौन है? रॉबिन्सन क्रूसो है ये। तो हमने अभी बोला ना मैंने कि रॉबिन्सन क्रूसो एक बार क्या कर रहा था, अपनी समुद्री यात्रा में चला था, तो क्या हुआ, उसकी नाव, सिप यानी नाव, उसकी नाव एक दिन क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड यानी नाश हो गई, उनकी नाव डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और वो क्या होता है कि वो एक आइलैंड पर फंस जाता है, नाव वो हो जाती है ना, टूट जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो एक आइलैंड पर फंस जाता है, और काफी सालों से वो उस आइलैंड पर रहता है और कोशिश करता है कि इस आइलैंड पर कोई यहाँ पर आए। फिर उसको क्या होता है कि एक बार वो वन डे, एक बार क्या होता है कि फुटप्रिंट, वो एक अजीब सा फुटप्रिंट उनको मिलता है ना, देखो इस तरफ है ना, फुटप्रिंट, पैरों के निशान, फुटप्रिंट यानी अजीब सा पैर का निशान मिलता है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है वो हम देखते हैं स्टोरी में। चलो, वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। क्या होता है कि एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ वापस जा रहा था, तो मैंने बीच पर एक फुटप्रिंट, बीच पर क्या देखा, एक फुटप्रिंट यानी पैर के निशान को देखकर वो क्या हो गया, हैरान हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, वो हैरान हो गया। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं सुन रहा था, क्या कर रहा था, आई लिसन, मैं सुन रहा था, और लुक्ड अराउंड मी, और आसपास देखा, लेकिन मैंने ना तो कुछ सुना और ना ही कुछ देखा। उसने वो आजू बाजू आसपास देख रहा था, लेकिन उसने ना तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डैट वन। क्या कहता है आगे कि आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं थोड़ा ऊंचाई पर गया, वो थोड़ा ऊंचाई पर गया ताकि वहां से देख सकूं कि कोई आसपास तो नहीं है, फिर वापस नीचे आया। फिर क्या हुआ, वो वापस नीचे आया और फिर आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, उस फुटप्रिंट के अलावा वहां पर कोई नहीं था। वो ऊपर चढ़ा देखने के लिए कि वो वहां से अच्छी तरह से देख सके, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, और सिर्फ क्या दिख रहा था, पैरों के निशान ही सिर्फ दिख रहे थे। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। फिर क्या हुआ, आई वेंट, मैं दोबारा से उसी जगह पर गया। क्या हुआ कि मैं दोबारा से उसी जगह पर गया जहां पर प्रिंट था, पर यह ढूंढने की कोशिश करने लगा कि क्या वहां पर और भी कोई फुटप्रिंट्स है, कि वो मेरा सिर्फ मेरी इमेजिनेशन यानी कि मेरी सिर्फ कल्पना है।
क्या करता है वो कोशिश करता है कि सिर्फ एक ही फुटप्रिंट है कि वहां पर कोई दूसरा भी फुटप्रिंट है कि सिर्फ मेरी कल्पना है, वैसा वो सोचने लगा। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट टोस हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। फिर क्या हुआ, लेकिन मैं गलत नहीं था। क्या कहता है कि बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मैं गलत नहीं था, वहां पर क्या था, पूरी तरह से पैर का निशान था। वहां पर क्या था, एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, पूरी तरह से पैर का निशान था और हरेक पार्ट्स था, पैर का हरेक पार्ट्स था, जैसे कि पैर का टोस थी, हील थी, सब कुछ था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे आया, वो इमेजिन भी नहीं कर रहा था कि वो एक फुटप्रिंट यहाँ पर कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। क्या करता है कि मैं काफी देर तक वहां पर रुका, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी देर तक वहां पर रुका, पर मैं उतना ही कन्फ्यूज होता जाता था। मैं काफी देर तक वहां पर रुका और उतना ही मैं क्या हो जाता था, कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। आखिरकार क्या कहता है कि एट लास्ट, आखिरकार मैं घर वापस लौटा, हर दो से तीन कदम के बाद पीछे देखता हुआ वापिस आ रहा था। मैं हर झाड़ी बुश यानी कि हर झाड़ी और पेड़ों को जैसे कोई आदमी समझ रहा था और क्या, मैं डर गया था। वो अपनी घर, आखिरकार वो क्या करता है कि अपनी घर की तरफ वापस लौटता है और हर दो और तीन कदम चलता है, फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर, कोई मेरे पीछे तो नहीं आता, वैसे वो डर गया था। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. फिर क्या करता है, जब मैं when I came to my cave यानी गुफा, वो कहाँ पर रहता था, गुफा में, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, which I called my castle, वो अपनी गुफा को क्या कहता था, कासल यानी महल, वो जो रहता था केव में, वो अपनी गुफा को राजमहल कासल कहता था, महल कहता था, है ना। तो कहता है कि जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, फिर क्या करता, आई रेन इनसाइड इट, मैं तेजी से दौड़ा, रेन यानी दौड़ना, मैं तेजी से दौड़ा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। देखो वो अपनी गुफा में वापस आ गया तो उसे क्या लगा, वो दौड़ने लगा और उसे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, चेस यानी पीछा, उसे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेम्बर whether आई यूज द ladder और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर। मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने लेडर को यूज किया था अंदर जाने के लिए या फिर उस रो का यूज किया था जिसे मैं डोर कहता था, उसके सहारे वो गया था। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रेन, मैं जल्दी से छुपना चाहता था, जानवरों से भी तेज दौड़कर वहां पर मैं पहुंचा। वो क्या कर रहा था, वो छुपना चाहता था, वो डर गया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई एनिमल मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो डर गया था।
इसलिए क्या हुआ कि वो तेजी से दौड़कर जानवरों से भी तेज दौड़कर वहां पर पहुंचा। टर्न योर पेज नंबर 54, लुक एट हियर। ये है रॉबिन्सन क्रूसो, वो कैसे दौड़ता है। उससे वो डर गया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो फुटप्रिंट को देखकर वो डर गया, इसलिए क्या करता है, वो जानवरों से भी तेज दौड़ता है। फिर क्या होता है आगे, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। फिर क्या होता है आगे देखते हैं आगे, चलो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सो सका। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात क्या हुआ कि मैं नहीं सो सका। वो क्या कहता है, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। यही सोचते हुए कि मैंने जो देखा वो क्या था, वही सोच रहा था वो पूरी नाइट, और वो सो भी नहीं सका कि मैंने वो क्या देखा था। जितना ही आई थॉट इट कुड, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, जितना ही मैं सोचता उतना ही मैं डरता। वो जितना सोचता था ना उतना ही क्या होता था, वो डरता था कि वो उसने क्या देखा। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। ये लग रहा था कि दूर की जगह से कोई जंगली मनुष्य हमें छोटी सी बोट में घूम रहा था। उसे क्या लग रहा था कि सेवेज यानी कोई जंगली मनुष्य छोटी सी बोट में घूम रहा है, उसे ऐसा लग रहा था। बट लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट। फिर क्या हुआ, ये लकीली, ये अच्छी बात है कि मैं उस समय वहां पर नहीं था, वो आया और उसने मेरी बोट देख ली हो। उसे इमेजिनेशन हो गया कि अच्छा है कि मैं वहां पर नहीं था जब वो आया था, जो फुटप्रिंट देखी ना, तब वो सोचने लगा कि अच्छा है कि मैं वहां पर उस समय वहां पर नहीं था, नहीं तो वो मुझे देख लेता और मेरी बोट भी देखी हो शायद, उसे ऐसा लग रहा था। इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। देखो फिर क्या होता है, फिर वो क्या सोचता है, अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो जरूर उसे लगेगा कि यहाँ पर कोई रहता है। देखो वो क्या सोचता है आगे कि जो जंगली जानवर है वो हिंसक, वो यहाँ पर मेरी बोट उसने देख ली होगी, तो फिर क्या होगा कि जरूर उसे लगेगा कि यहाँ पर कोई रहता है और फिर जल्दी से वो दूसरों के साथ आएगा, दूसरों को लेकर आएगा और मुझे क्या करेगा, मारकर मुझे मार डालेगा और मुझे खा जाएगा। देखो कैसा डर उसको लगता है रॉबिन्सन क्रूसो को, कि वो जो एनिमल होगा तो वो मुझे देख लिया होगा, शायद मेरी बोट को देख लिया होगा, तो वो जाएगा और दूसरे लोगों को वापस लेकर आएगा, फिर क्या करेगा कि मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। वो बहुत ही डर गया। एंड सो आई ले फ्राइटन फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। फिर क्या हुआ, और उसी डर के साथ, वो डर गया था बिल्कुल, और उसी डर के साथ क्या है, मैं काफी दिनों तक अपनी गुफा में लेटा रहा। वो काफी दिनों तक क्या हुआ, अपनी गुफा में लेटा रहा और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट। और ऐसा सोच के मैं थोड़ा कंफर्ट हुआ और सोचा कि चलो फिर से एक बार क्या करें,
बिगिन गोइंग आउट। फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करते देखते ही कि ये फुटप्रिंट था वो कहाँ से आए हैं। वो थोड़े दिन वो डर गया था, तो क्या करा फिर उसने, क्या किया कि थोड़े दिन वो अपनी गुफा में लेटा रहा, अपनी बचाव के लिए गॉड से प्रे कर रहा था। और फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद जब वो कंफर्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, तब उसने सोचा कि चलो फिर एक बार इन्वेस्टिगेट करे कि वो फुटप्रिंट कहाँ से आया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड। लेकिन अब भी मैं जब बाहर निकला तब पीछे देख मुड़कर बार बार देख रहा था। फिर क्या हुआ, अब भी वो जब बाहर निकला बहुत दिनों के बाद, फिर भी वो पीछे मुड़कर बार बार फ्रिक्वेंटली यानी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। Because I was still very frightened, क्योंकि अब भी मैं बहुत ही डरा हुआ था। क्या था, वो पीछे देख कर मुड़ के देख रहा था कि क्योंकि अब भी मैं क्या हूँ, बहुत ही डरा हुआ हूँ, ऐसा कहता है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। हालांकि मैं लगातार, क्या कहता है कि हालांकि मैं लगातार दो से तीन बार वहां पर गया और देखा कि वहां पर कोई नहीं है। वो वहां पर कितनी बार गया, 2 से 3 बार गया और उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। आई बिकेम अ लिटल बोल्डर, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या कहता है कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, उसको रियलाइज हुआ कि वहां पर कोई नहीं है, इसलिए मैं वो अच्छा महसूस कर रहा था। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार फिर से किनारे पर जाऊं और क्या करूं, किनारे पर फिर से जाऊं और उस फुटप्रिंट, उस पैर के निशान का एग्जामिन करूंगा। क्या कहता है, मैं फिर से एक बार जाऊंगा और फिर से किनारे पर जाऊंगा और उस फुटप्रिंट का एग्जामिन करूंगा कि उसे देखूंगा, चेक करूंगा। क्या करता है, उसे मैं देखूंगा और चेक करूंगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटप्रिंट। फिर क्या चेक करूंगा, ये किसका है। मैंने इसे क्या किया कि मैंने इसे अपने पैरों के निशान से मापने का फैसला किया। उसने क्या किया कि वो जो पैर का निशान था तो उस पर उनका जो पैर का निशान था वो नापने का फैसला किया। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे मैंने फुटप्रिंट को क्या किया, फुटप्रिंट के क्लोज आया, नजदीक आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी फुटप्रिंट हो ही नहीं सकती। फिर उसको क्या लगा, रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी फुटप्रिंट हो ही नहीं सकती, मैं इस जगह पर काफी दिनों से नहीं आया। वो कहता है कि मैं इस जगह पर काफी दिनों से नहीं आया, इसलिए ये मेरी फुटप्रिंट तो नहीं हो सकती। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड That footprint, it seemed larger than my own. फिर क्या कहता है कि secondly, दूसरी बार जैसे ही मैंने अपनी footprint पैरों को उस निशान पर रखा, वो मेरे पैरों से काफी बड़ा था। क्या किया उसने दूसरी बार कि जो अपनी फुटप्रिंट को उस निशान पर रखा, तो वो क्या है कि मेरे पैरों से कहीं बड़ा था। इट सीम लार्जर देन माई ओन, मेरे पैरों से बहुत ही बड़ा था। माई फियर रिटर्न,
आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देर वॉज समवन देयर। फिर क्या हुआ कि माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापिस आ गया। जल्दी से आई वेंट होम अगेन, जल्दी से मैं अपने घर वापस पहुंचा, बिलीविंग दैट देर वॉज समवन देयर। मैं जल्दी से अपने घर वापस पहुंचा, यही समझते हुए कि यहाँ पर जरूर कोई आया है और आइलैंड पर जरूर कोई रहने लगा है। उसने देखा कि अपना जो फुटप्रिंट था, उसके साथ उसने अपना फुटप्रिंट मैच किया। तो क्या हुआ कि जो फुटप्रिंट था वो तो बहुत ही बड़ा था, उनके पैरों के निशान से काफी बड़ा था। तो फिर उनका जो डर था वो वापस आ गया कि श्योर जरूर यहाँ पर कोई रहने आया है और इस आइलैंड पर वो रहने लगा है। तो दिस स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। तो बच्चों आपको अच्छे लगी स्टोरी है ना, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, कैसे रॉबिन्सन क्रूसो इमेजिनेशन करता है ना कि यहाँ पर कोई आया था, है ना बच्चों। तो ये क्या थी, एक रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी थी। तो ये क्या थी, एक आइलैंड के बारे में थी, है ना। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग स्टोरी। ओके, सो अब एक्टिविटी नंबर 2 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सबको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।